हेलो बच्चों, क्या हालचाल? बढ़िया एकदम। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 15, तो आज पढ़ने जा रहे पोटेंशियोमीटर यानी दूसरा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। इसके पहले लेक्चर नंबर 14 में हमने पढ़ा था मीटर ब्रिज, पहला इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड हर तरह के क्वेश्चन हमने लेक्चर नंबर 14 में कराए हैं, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे टाइप करके, मीटर ब्रिज फिजिक्स वाला मिल जाएगा। आज पढ़ने जा रहे पोटेंशियोमीटर जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां पे हम पोटेंशियोमीटर के 3 इंपॉर्टेंट सर्किट डायग्राम बनाएंगे जो कि बोर्ड में बहुत बार पूछे जाते हैं, और उसके अलावा हम IIT और नीट के लिए कई कॉन्सेप्ट बेस्ड अच्छे अच्छे सवाल भी बीच बीच में कराएंगे। तैयार हैं, शुरू करें। सो माय नेम इज अलक पांडे एंड दिस इज योर्स एंड माइन ब्यूटीफुल सा चैनल फिजिक्स वाला। कॉपी और पेन निकाल लें, नोट्स बनाना स्टार्ट करें, इधर उधर के डिस्टरबेंस बंद करें, छोटे भाई को पीटना, चूहे को मार के खाना, ये सब बंद करें। एक बार में लेक्चर देखने की कोशिश करें, जब मैं बोलूं वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें, उस टाइम ऐसा जरूर करें। बाकी जो बहुत ही आलसी लोग हैं वो हमारी वेबसाइट www.physicswalaalakpandey.com पे जाके इस लेक्चर के नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे जाएंगे physicswalaalakpandey.com, वहाँ पे क्लिक करिएगा क्लास 12, फिर क्लिक करिएगा फिजिक्स, फिर क्लिक करिएगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। एक लिस्ट खुल के आ जाएगी जिसमें सारे लेक्चर लाइन से लगे होंगे, ये भी उसमें थोड़ी देर बाद अपडेट हो जाएगा और बगल में इसके नोट्स होंगे। तो भाई आज हम पढ़ने जा रहे पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर, इसका नाम देखो, नाम में पोटेंशियल भी है, नाम में मीटर भी है, मतलब ऐसा कोई मीटर क्या होता है जो मेजर करता है ना, घर के बाहर मीटर लगा होता है, बिजली का बिल आता है, ऐसा कोई डिवाइस जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करे। मतलब ये करता क्या है? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस, इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस। देखो क्लास 10th से आप एक डिवाइस और पढ़ते आए हो जो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करती है, वोल्ट मीटर। छोटा सा होता है, इसको लगा दो, पोटेंशियल डिफरेंस बता देता है। तो फिर ये क्यों पढ़े? इट मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कंपेयर्ड टू वोल्ट मीटर। अच्छा, ये बात, तो फिर इसी को हर जगह यूज करें सर, वोल्ट मीटर उठा के फेंक दो, छी। ऐसा भी नहीं है, देखो वोल्ट मीटर ना छोटा सा होता है, प्यारा सा होता है, कहीं भी फिक्स हो जाता है और जल्दी से आंसर दे देता है। वोल्ट मीटर साइज में छोटा है और कन्वीनियंट टू यूज है, इसलिए रोजमर्रा की जिंदगी में हम वोल्ट मीटर इस्तेमाल करते हैं, पर जहां हमको बहुत एक्यूरेट मेजरमेंट चाहिए वहां पे हम पोटेंशियोमीटर, समझ गए, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं। बट वोल्ट मीटर इज यूज मोर ऑफन, ज्यादा वोल्ट मीटर ही यूज होता है ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड कन्वीनियंस। आराम से ऐसे खच्चे से ऐसे उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हुई, ये 5 वोल्ट, हाँ ठीक है बात खत्म, 5 वोल्ट लिख के हम शांत हो गए। इसमें क्या है, पहले स्केल लेके आओ, मेजर करो, रीडिंग लो, है ना, फिर उस रीडिंग से कैलकुलेशन करो, फिर आंसर निकालो, समय लेता है, बट इट गिव्स मोर एक्यूरेट रीडिंग। तो भाई सही बात है ना, अगर आपको बहुत कोई अच्छी चीज चाहिए तो वेट करना पड़ता है, है ना, जल्दी जल्दी आंसर चाहिए तो वोल्ट मीटर यूज करो, समझ गए। दोनों ही पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करते हैं, वोल्ट मीटर ज्यादा इस्तेमाल होता है, जल्दी जल्दी आंसर देता है और ज्यादा झामताम नहीं लगाओ, काम खत्म, इसमें थोड़ा सा झामताम होता है। अब इसके जो यूजेस हैं, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर रहा है, बट इसके जो यूजेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। NCERT इसके 2 यूज बताती है, हम 3 यूज बताएंगे और उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे, और इसके बाद NCERT कहती भी है कि इसके तो तमाम यूज हैं, मतलब यहाँ पर बात खत्म नहीं होती, फिर भी हम 3 यूज डिस्कस करेंगे और उन्हीं से रिलेटेड सर्किट डायग्राम, बाकी तो हम सवाल भी आपको अच्छे अच्छे करा देंगे। तो इसका पहला यूज है टू मेजर EMF ऑफ अ सेल। एक गिवन सेल का ये EMF निकाल के दे देगा, भैया EMF क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस, मेजर ही करना है। दूसरी चीज कंपेयर टू कंपेयर EMF ऑफ 2 सेल्स, 2 सेल्स का EMF कंपेयर भी, एक का निकल आएगा तो 2 का कंपेयर भी हो जाएगा। NCERT यहीं से स्टार्ट करता है इस बात से। और तीसरा टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस
ऑफ आ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस याद है? हाँ वही, वो गंदा सा, हाँ वो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन जब चलता है, लड़ता भिड़ता है, छी छी, हाँ वही इंटरनल रेजिस्टेंस, तो उसको भी ये मेजर कर देता है और इसकी मेजरमेंट बड़ी एक्यूरेट होती है। तो ये तीन यूज हमको पढ़ना है टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल। इसी से हम सारा कंसेप्ट समझा देंगे, सब कुछ इसी से करा देंगे। इसके बाद ये तो फॉर्मेलिटी होगी, सर्किट समझने होंगे, ठीक है? तो नोट कर लें इसको। चांद छिपा बादल में, शर्मा के मेरी जान। ये शर्मा कौन है सर? हाय 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 हाय, कोई नहीं है, छापो। हाँ भाई, पोटेंशियल मीटर मेजर पोटेंशियल डिफरेंस मोर एक्यूरेट एज कम्पेयर टू वोल्ट मीटर। काम क्या है? तीन काम है, मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, कंपेयर टू ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, एंड मेजर्स छी छी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। शुरू करें, कॉन्सेप्ट देखें, मिटा रहे हैं? ओके, अब देखते हैं कि ये काम कैसे करता है, बनता कैसे है, है ना, कैसे वर्क करता है। तो भाई इसका कॉन्स्ट्रक्शन पढ़ते हैं। कॉन्स्ट्रक्शन कैसे बनता है? पोटेंशियोमीटर। तो बेसिकली पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर एक तार होता है, इट इज अ लॉन्ग वायर ऑफ फ्यू मीटर्स। अब आपको मीटर ब्रिज याद होगा, मीटर ब्रिज एक मीटर का वायर था, यहां फ्यू मीटर्स, दो मीटर, चार मीटर, दस मीटर, ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब हर जगह वायर का एरिया सेम हो, तभी जो कंसेप्ट है वर्क करेगा। मतलब वायर ऐसा ना हो कि कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटा हो गया, ना ना ना, जैसा है वैसा रहे, है ना, जैसा है वैसा रहे, हर जगह वायर का एरिया क्या हो, सेम हो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया, है ना। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक वायर से बन जाएगा, जरा देखते हैं कैसे बनता है। मान लो यहाँ पे हमने एक वायर ले लिया, और मान लेना कि ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, भले ही मेरी ड्राइंग कितनी भी गंदी बने। मान लो ये बन गया। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इस वायर से काम बन जाएगा, मान लो ये ए, ये बी, मान लो वायर की लेंथ एल है, वेयर एल कैन बी फ्यू मीटर्स। अब क्या करना पड़ता है, इससे एक बैटरी जोड़नी पड़ती है। ये बना रहे हैं पोटेंशियोमीटर, अभी बन रहा है, इससे एक बैटरी लगाई, बैटरी रे, बैटरी समझते हैं, हाँ वो इन्वर्टर वाली खोल के लाके इसमें लगा दी हमने, बड़ी वाली बैटरा, इसमें एक बटरा लगाया, ठीक है, बटरा मान लेते हैं, क्या लगा दिया, बैटरी। मान लो बैटरी का ईएमएफ वी है, पोटेंशियल डिफरेंस वी, इसका नहीं मेजर कर रहे, ये बना रहे पहले हम, ठीक है। अच्छा, इसका V है, तो यहां मान लेते हैं 0 वोल्ट, यहां मान लेते हैं V वोल्ट, तो यहां आते 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 कितना रहेगा, 0 वोल्ट, और यहां जाते 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 कितना रहेगा, V वोल्ट। यानी इस पूरे वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो V है। अब यहीं से कहानी स्टार्ट हुई कि अगर ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का है, अगर इसकी रेजिस्टिविटी हर जगह सेम है, इसकी डेंसिटी हर जगह सेम है, तो इसके एल लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा V। देखो L लेंथ चलने पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा या कितना हाई हो रहा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा, V। तो अगर इसमें हम 1 लेंथ चलें, यूनिट लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, V बाई L। अगर हम बोलें कि हम शुरू से मान लो 2 मीटर चलें, तो पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल गेन हो रहा है, वैसे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 2V बाई L। 3 लेंथ चलें, 3V बाई L, और X लेंथ चलें तो एक्स वी बाई एल या वी बाई एल इंटू एक्स। बोलो बात समझ में आई? ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है, ये आपको आना चाहिए। यूनिटरी मेथड यहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल एंड लेंथ, अगर क्रॉस सेक्शन इसका यूनिफॉर्म है। इस चीज को ऐसे बताया जाता है किताब में कि इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट, एक यहां पे टर्म यूज कर लेते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट, ये क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप अपॉन लेंथ, यानी V बाई L, पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, सुन लो, अपॉन, इसका पोटेंशियल रखना जरूरी नहीं है, बता दे रहे यहां पे, ठीक है, बैटरी, अभी मान लो यहां कोई रेजिस्टर होता, कुछ पोटेंशियल यहां भी खा जाता रेजिस्टर,
इसमें जो पोटेंशियल ड्रॉप है अपॉन स्केल लेंथ, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, के इज इक्वल्स टू वी बाय एल। और हम ये मानते हैं कि पोटेंशियल ग्रेडियंट हर जगह सेम है, ठीक है। अब मान लो हमने पूछा यहां से एक्स डिस्टेंस पे, यहां से एक्स डिस्टेंस पे इस जगह से ए से लेके मान लो सी बोल दिया कि वी ए से लेके सी तक क्या पोटेंशियल ड्रॉप है। हमसे किसी ने कह दिया वी ए सी बताओ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, तो हम बोलेंगे पूरे में कितना है v, कितने लेंथ में है l लेंथ में, तो x में कितना होगा इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, यही तो बता रहे थे। अच्छा इस v by l को हम क्या बोल सकते हैं k, तो हम ऐसे ही बोल सकते हैं v ac is equals to kx। वाह 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 वाह, कितना बढ़िया इंस्ट्रूमेंट है। मतलब यहां हमको कोई मान लो पॉइंट दे दे d, डिस्टेंस बोल दे y, हमसे कहे पोटेंशियल डिफरेंस बताओ ky। भाई l लेंथ में पोटेंशियल ड्रॉप v, तो x लेंथ में v by l into x, y लेंथ में v by l into y, ये इसका मेन कंसेप्ट है। और v by l को हम k बोल देते हैं, k बोलो v by l बोलो एक ही बात है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी सेंसिटिविटी पढ़ेंगे अभी नहीं, थोड़ा बाद में, ठीक है, नोट करें। AC में हमसे पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, तो हमने कहा AB में V है क्योंकि L लेंथ है, L लेंथ में V है तो X लेंथ में V by L into X, और V by L को K भी बोल सकते हैं। मिटा रहे हैं इसको, एक चीज बताते हैं, किताबों में ये डायग्राम नहीं बनता, मिटा रहे, समझ गए ये बात थोड़ी थोड़ी, अभी सवाल करते रहते और समझोगे। किताबों में ये डायग्राम नहीं बनाते, किताबों में क्या बोलते हैं कि इसकी लेंथ फ्यू मीटर्स है तो लंबा है, तो अगर आप इसको ऐसे ही लोगे लंबा मीटर, समझ रहे हो इतना बड़ा मीटर मतलब ये जी इतना बड़ा मीटर है ना, और ये कई मीटर का 5-6 मीटर, तो इतना बड़ा डिवाइस लेके कहाँ चलोगे इसे लेके। तो किताब में क्या बताते हैं, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है तो इसको हम कैसे बनाते हैं, किताब में क्या बनाते हैं, ऐसा होता भी है, हम क्या करते हैं एक लंबा सा पटरा लेते हैं, लंबा सा पटरा लिया, उस पर एक तार लिया, उसको ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया, समझे, मतलब इसी में अटा दिया। इसी वायर को चाहे हम सीधा लें, चाहे इसी वायर को हम ऐसे घुमा घुमा के एक जगह पर रख लें, तो ऐसे बनाते हैं ताकि ये फ्यू मीटर वाली कहानी बच जाए, ऐसा ना हो कि बहुत लंबा बने, तो ऐसे बना देते हैं। ये ऐसे लिया मान लो एक वायर, ठीक है, यहां जाके मान लो बांध दिया, किससे बांध दिया, मान लो मेटल के एक, यहां मेटल के एक शीट से बांध दिया है ना, थिक शीट होगी, फिर यहां से दूसरा वायर आया, फिर यहां से फिर बांध दिया, फिर यहां से तीसरा वायर गया, फिर यहां से फिर बांध दिया, फिर यहाँ से चौथा वायर गया। अब देखो ये बढ़िया हो गया, उतना ही लंबा वायर हमने घुमा घुमा के रख लिया, इसको बोल दो एंड ए, इसको बोल दो एंड बी। तो ऐसा कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिकली होता है, पर सवाल सॉल्व करते वक्त हम यही बनाएंगे, कौन बार बार ये बनाएगा, ये क्या है थिक मेटल, थिक मेटालिक शीट है ना, कॉपर की शीट ले लो, बढ़िया कंडक्टर कोई ले लो, ए कचर कचर कचर, अब इसी को देखो अगर खोल दे तो बहुत लंबा बन जाएगा, तो हम एक पटरा लेते हैं, उस पर ऐसे 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 तार घुमा लेते हैं, ठीक है, और इसके बाद यहां से बैटरा कनेक्ट कर दो ले जाके, बन गया पोटेंशियोमीटर, ठीक है। तो ये इसका एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा, ये इसका प्रैक्टिकल एक्चुअल कंस्ट्रक्शन होगा, बट हम इसको ना बना के सारे अपने क्वेश्चन में इसको बनाएंगे, जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो साथ साथ में इसको बना के दिखा देंगे, ठीक है, सवाल करते वक्त ये बना लेंगे, वही वायर है उसी घुमा घुमा के रख लिया, लंबा था इसलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया, छाप लें। हाँ भाई, अब इसका हम लोग सबसे पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल, कैसे इसको यूज करेंगे ईएमएफ ऑफ सेल मेजर करने के लिए, मिटा रहे। अब पता है ये पोटेंशियोमीटर भी नल पॉइंट मेथड पे काम करता है, नल पॉइंट पे शायद मीटर ब्रिज भी करता था, जॉकी ले जाके टच कराते थे जहाँ पे करंट जीरो होता था, हाँ वही 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 वही, तो पोटेंशियोमीटर के कंसेप्ट भी उसी पे बेस्ड होगा, पोटेंशियोमीटर ऑल्सो वर्क्स ऑन नल पॉइंट मेथड, और नल पॉइंट पे जो भी डिवाइस काम करती है उसकी मेजरमेंट बहुत एक्यूरेट होती है, नल पॉइंट का मतलब याद है करंट नहीं फ्लो करता। चलिए हम लोग पहला एप्लीकेशन देखने जा रहे हैं, टू मेजर ईएमएफ ऑफ अ सेल, चलिए एक सेल बनाते हैं उसका ईएमएफ निकालने की कोशिश करते हैं, पहले हम अपना पोटेंशियोमीटर तैयार कर लें, ये बैटरा हमारा, पहले अपना पोटेंशियोमीटर तैयार रहे, तैयार हो गया, ये वायर हो गया,
ए बी, इसका पोटेंशियल वी, यहाँ ज़ीरो, यहाँ वी, ये हो गया ज़ीरो पे, ये हो गया, ऐसे लिख लेते हैं साइड में, ये हो गया ज़ीरो पे, ये हो गया वी पे। अब जिस अननोन सेल का ईएमएफ निकालना है उसको उठाएंगे। ये तो बैटरी है, ये हमने खुद से लगाई है, तैयार करके बैठे। अब हमने यहां से वो अननोन सेल लगाई, ये उस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस, हर सेल का कुछ ना कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यहां से हमने एक गैल्वेनोमीटर बांधा, यहां से एक जॉकी उठाया और जॉकी को, जॉकी समझते हैं ना, एक मेटल होता है, उसको ऐसे आगे से नाइफ एज दे देते हैं, मतलब छील देते हैं एकदम एकदम शार्प। अब उसको उठा के हम ऐसे 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 टच करा रहे थे। जब हमने जॉकी को यहाँ टच कराया, सुनो ध्यान से, जब हमने जॉकी को यहाँ टच कराया तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ, जब हमने जॉकी को यहाँ टच कराया तो गैल्वेनोमीटर ऐसे डिफ्लेक्ट हुआ। मतलब इन दोनों के बीच में कहीं एक पॉइंट होगा जहां गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ना देकर सीधा हो जाए। गैल्वेनोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है विच मेजर्स या विच डिटेक्ट्स, गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट्स एनी स्मॉल करंट, ठीक है, बहुत ह्यूज करंट के लिए इसको इस्तेमाल नहीं करते, छोटा मोटा करंट ये डिटेक्ट कर लेता है। तो हमने यहां लगाया हिला, यहां लगाया अपोजिट साइड हिला, फिर यहां लाए थोड़ा कम इधर हिला, यहां गए थोड़ा कम इधर, ऐसे करते करते एक पॉइंट पे आया जहां गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, और ऐसे पॉइंट को हम बोलते हैं नल पॉइंट, ठीक है। सो वी विल फाइंड नल पॉइंट, ऐसा पॉइंट वेयर गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। हमने ऐसा पॉइंट ढूंढा जहां पे गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, समझ गए ना, यहां लगाया करंट बह रहा, यहां लगाया बह रहा, कहीं एक जगह लगाने पे गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब इसकी मीनिंग क्या है समझते हैं। इसकी लेंथ एल है और जहां पे नो डिफ्लेक्शन शो किया उसकी लेंथ मान लो एक्स है। अब इसकी मीनिंग क्या है नो डिफ्लेक्शन की, बच्चों इसकी मीनिंग ये है कि इस ब्रांच में कोई करंट नहीं है। मीनिंग यू हुई कि यहां पे करंट आई जीरो हो गया। बच्चों यहां पे करंट जीरो तभी होगा जब यहां पूरे कहीं करंट ना हो, मतलब यहां भी करंट जीरो हो। अरे भैया इधर करंट आएगा तो इधर जाना ही पड़ेगा, मतलब इस पूरे ब्रांच में करंट जीरो है, ऐसा क्यों होगा? ऐसा तभी हो सकता है जब यहां का पोटेंशियल डिफरेंस और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस बराबर हो जाए, तब करंट फ्लो ही नहीं करेगा भाई। करंट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, जितना यहां पोटेंशियल उतना यहां पोटेंशियल हो। आराम से समझो, देखो ये जीरो वोल्ट पे है ए पॉइंट, आराम से ये जीरो पे था, ये जीरो पे है, यहां तार में कोई रेजिस्टेंस, कोई बैटरी वैटरी कुछ है नहीं, तो ये जीरो है तो यहां भी कितना होगा जीरो, ये सब समझते हैं ना। इस तार में कोई रजिस्टर, कोई बैटरी, कोई सेल कुछ नहीं है, तो यहां जीरो, तो यहां आते आते भी जीरो, यानी इस जगह पे भी जीरो हो गया। अब यहां से यहां पोटेंशियल बढ़ेगा क्योंकि बैटरी लगी है, बैटरी का ईएमएफ, अगर ये जीरो पे है तो ये किस पे होगा, ई पे होगा, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस ही है। ये ई यहां पे आके पोटेंशियल ड्रॉप होगा क्योंकि रेजिस्टेंस में कुछ पोटेंशियल चला जाएगा, यहां पे नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो कर रहा भाई। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप कब होता है समझ लो आराम से, वरना हमेशा कंफ्यूज रहोगे। रेजिस्टेंस में पोटेंशियल ड्रॉप होता है आईआर। अगर ये चलती हुई अवस्था में होता, करंट बह रहा होता, तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप हो जाता है आईआर, और यहां हम लिखते ई माइनस आईआर। पर क्योंकि करंट है ही नहीं, करंट इसमें जीरो है, तो जितना पोटेंशियल यहां उतना पोटेंशियल यहां, उतना पोटेंशियल यहां भी करंट नहीं, उतना पोटेंशियल यहां, आय हाय 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 हाय, मतलब ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उतना ही तो ये है, जीरो से ई, जीरो से ई। बताने को बहुत इजीली बोलते हैं हम कि वो पोटेंशियल डिफरेंस इस पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर, कान खत्म, नहीं समझाया पूरा आराम से। ये जीरो, ये भी ये जीरो, जीरो जीरो, यहां से यहां उठना चाहिए पोटेंशियल क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ई है, इधर जीरो तो इधर ई होगा, फिर यहां पे गिरना चाहिए था पर नहीं गिरा क्योंकि करंट ही नहीं है, करंट जीरो हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टर में जीरो, कोई ड्रॉप ही नहीं हो रहा है रेजिस्टर में, यहां ई तो यहां ई, यहां ई, यहां भी करंट नहीं तो यहां भी ई।
हाँ अब समझे बात, मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस और ये पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया। अच्छा अब सुनो, ये यहां से यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, लेट दिस बी पॉइंट सी, सो पोटेंशियल डिफरेंस ए सी इज इक्वल्स टू, इसको एक्स वाई लिख लें, ये बहुत झाम कर रहे हैं, बहुत लंबा कर रहे हैं, इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्स वाई। ए सी में पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे भाई, पूरे में कितना है वी, तो v बाई एल हो गया यूनिट लेंथ में, और ये लेंथ कितनी है x, और एक्स वाई में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है e, लो मिल गया EMF, खत्म, आसान भाई। यहां का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा v बाई एल इंटू एक्स, पूरे का v है, यूनिट लेंथ का v बाई एल, तो इतने का v बाई एल इंटू एक्स, और ये किसके इक्वल आ रहा है जीरो से e, मतलब कितना डिफरेंस है e, खत्म, E is equals to V by L into X. अब कई लोग V by L को क्या बोलते हैं, K, तो KX. मिल गया EMF. X आप measure कर लो scale रखकर. Length है, measure कर सकते हो. V by L आप पहले से determine करके बैठे थे. Potential drop देख लिया था, इसका length पता था. काम हो गया. Now you have measured EMF of cell. अब इसमें दो बात ध्यान देना, यहां तक तो समझ में आ गया होगा, इसे मिटा दें, इतना ढेर सारा पॉइंट वॉइंट जो लिख दिया मैंने, जो ये पोटेंशियल डिफरेंस वही है, सिंपल सी बात, ठीक है, ये समझ में आया, यहां ई तो यहां ई, क्योंकि रजिस्टर में करंट नहीं है, अब इसी रजिस्टर में करंट होता तो खेल बिगड़ जाता है, नो डिफ्लेक्शन पे ये काम करता है जब इस ब्रांच में कोई करंट ना हो, नल पॉइंट। अब एक बात सुनो, जरा कनेक्शन ध्यान से देख लो, अप्लाइड बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इधर, तो हमारी सेल का नेगेटिव टर्मिनल भी इधर, पोलैरिटी सेम रखना, अप्लाइड बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, तो हमारी बैटरी का भी पॉजिटिव टर्मिनल, इसको पलट दोगे कि खेल बिगड़ जाएगा, पोलैरिटी ऑफ बैटरी शुड नॉट बी अपोजिट टू सेल, पहली बात ध्यान रखेंगे हमेशा। दूसरी बात सुनो कि अगर मान लो ये पूरा जीरो से वी जो बन रहा था, मान लो ये ई से कम होता, जस्ट इमेजिन कि ओवरऑल जो पोटेंशियल ड्रॉप मिल रहा था वो ई से कम होता, कहने का मतलब जो अप्लाइड बैटरी है मान लो वो 10 वोल्ट की है, तो वो पूरे में कितना ड्रॉप दे पाएगी मैक्सिमम, 10 वोल्ट, वो भी तब जब इसमें कोई रजिस्टर वगैरह नहीं है, एक्चुअल में तो यहां भी एक रेजिस्टर होगा, मान लेते हैं ये बैटरी 10 वोल्ट की है, तो पूरे को 10 वोल्ट देगी, सुनो कंसेप्ट की बात कर रहे हैं, तो खत्म हो गया, तो इसको 10 वोल्ट देगी, और मान लो सेल जो है उसका ईएमएफ 12 वोल्ट है, तो 12 वोल्ट इस वायर पे कहीं मिलेगा क्या, ये पूरा वायर 10 वोल्ट दे पा रहा, तो बीच में कहीं 12 वोल्ट का डिफरेंस दे पाएगा क्या, यही तो हमने किया ना, हमने कहा कि एल लेंथ में वी है तो कितनी लेंथ में ई दे देगा, कुछ कम में, ये तभी संभव है जब v e से ज्यादा है, l लेंथ में v, x लेंथ में चलो ठीक है e, तो दूसरी बात ये है कि बैटरी का EMF should be greater than सेल का EMF, किताब में ऐसे ही लिखता है, इसमें तारा बना लीजिए, आगे हम बताएंगे, एक्चुअल में जरूरी नहीं कि बैटरी का EMF हो, कंडीशन और अच्छी होगी, क्योंकि सिर्फ बैटरी का EMF नहीं हो सकता, बैटरी कुछ पोटेंशियल अपने रजिस्टर में खराब करके आए, तो इसको और कम पोटेंशियल मिल रहा हो, असल में ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है पूरे वायर में ये ई से ज्यादा हो, अगर ये 12 वोल्ट है तो कम से कम ये 13 वोल्ट हो पोटेंशियल ड्रॉप, तो यहां आके चलो ठीक है काम बन जाएगा 12 वोल्ट, और यही मान लो 10 वोल्ट है तो यहां तक पहुंच के 10 ही बन रहा है, तो कभी ये बैलेंस नहीं होगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप इन द वायर, इन कंप्लीट वायर शुड बी ग्रेटर देन द अप्लाइड सेल्स ईएमएफ, पर किताब में सिर्फ यही लिखा होता है, अभी आगे क्वेश्चन से ये चीज समझा देंगे, अभी तो इतना ही छाप लो, क्लियर है, वट इज दिस पोटेंशियल ग्रेडियंट वी बाई एल, छाप ले, छाप लिया, कंडीशन छाप लो, पोलैरिटी ध्यान देना, पोलैरिटी पलटने से खेल खराब होगा, अभी हम करके दिखाएंगे सवाल के थ्रू। अच्छा किताब में कैसे बनाते हैं, इसको मिटा रहे हैं, हम मिटा रहे हैं, ओके देखो किताब में कैसे बनाते हैं, किताब में इसको ये वाला सर्किट बना के दिखाते हैं, देख लो किताब वाला, देख लो देख लो देख लो देख लो भाई, देख लो किताब वाला भी देख लो, बोर्ड में बनाना होगा, नंबर पाना होगा, दुनिया में कितनी है नफरतें,
फिर भी दिलों में है चाहते मर भी जाए प्यार वाले डिंग डिंग मिट भी जाए ट्रिडिंग यार वाले ट्रिडिंग जिंदा रहती है उनकी मोहब्बतें आ आ देखो इधर सेल का नेगेटिव यहाँ नेगेटिव कुछ ये सेल कट 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 इंटरनल डिस्टेंस चाक गैल्वेनोमीटर जॉकी बोलो कुछ गलत है क्या वही कहानी तो है इसी वायर को मैंने करके बना दिया किताब में ऐसी बना होता है शोज नो डिफ्लेक्शन तीर खड़ा है थोड़ा आगे ले जाओगे एक तरफ डिफ्लेक्ट करेगा थोड़ा पीछे ले जाओगे तो दूसरी तरफ है ना यहाँ तार यहाँ मिलेगा फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ ये ए से बी का तार हमने ऐसे बना दिया बोलो सही है यहाँ से लेके ए से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी आ रही तार की एक सारी और टोटल लेंथ एल है इसमें ये लेंथ नहीं काउंट होगी ये फिर ये फिर ये इसीलिए मेथड थोड़ा खराब है क्योंकि एक्चुअल में देखो इस लेंथ में भी पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा होगा तो ऐसा क्यों बनाते हैं जगह बचाने के लिए पर बहुत ज़्यादा ऐसे भी नहीं कर सकते एक मतलब बढ़िया एक बैलेंस बनाना पड़ेगा दोनों चीज़ें एक तो जगह बचानी है लंबा तार नहीं ले सकते घुमाने में क्या हो रहा है कि ये लेंथ काउंट नहीं कर रहे हो आप ये तो आप बोल रहे हो क्या है आप बोल रहे हो ये कॉपर का फ्रेम है कॉपर का ये शीट है तो आप इसको काउंट नहीं कर रहे हो और एक्चुअल में तो देखो ना इसमें भी तो करंट जा रहा है इसमें भी तो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है इसको हम कंसिडर हम तो यहाँ वन मीटर मेरे का 4 मीटर का तार है हम एल को 4 मीटर लेके खेल गए और वहाँ वो गलती करके इसलिए ऐसा भी नहीं कि बनाते जाओ बहुत लंबा तार ले लो ठीक है समझ रहे हो तो एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है क्लियर है ये सर्किट डायग्राम हो गया ये कहानी हो गई अब सवाल करते हैं मिटा रहे बहुत बढ़िया लेट अस स्टार्ट डूइंग कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट देन वी विल स्टडी हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल्स ओके सवाल करते जाओ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टेंशन मत लो सवाल नंबर वन इतनी बार बनवाएंगे ये सर्किट कि आपके दिल दिमाग जिगर में बैठ जाएगा ओके पहला सवाल 1000 रुपये के लिए हाँ पहला सवाल तो हलवा ही होता है हमेशा हलवा ही होगा टेंशन मत लो ये मान लो हमें यहाँ पे एक पोटेंशियोमीटर दिया है जिसका वायर 10 मीटर लंबा है यहाँ एक सेल लगी है जिसका पोटेंशियल 20 वोल्ट है यहाँ पे हमसे कहा ये एक सेल है कचकरे कुचकरे टाड़ा डाड़ा टा गैल्वेनोमीटर जी ट्र जय यहाँ पे नो डिफ्लेक्शन ये डिस्टेंस बोला एक्स सेल का ये ईएमएफ हमको बता दिया 8 वोल्ट ये रेजिस्टेंस 2 ओम हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन फाइंड एक्स ये मैं सवाल लिख लेता हूँ आज के भी सारे सवाल में ये रहेगा ठीक है ये मतलब कॉमन क्वेश्चन है आज के सभी जितने भी क्वेश्चन आगे बनेंगे फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो अट जा इसी में डिफ्लेक्शन ठीक है सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन ठीक है चलो भाई दिखाई तो पड़ रहा है ना ये पॉज करके ट्राई करो इसके बाद बताते हैं हाउ टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ टू सेल फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन हो गया खत्म चलो भाई यहाँ पे 0 वोल्ट यहाँ पे 20 वोल्ट यहाँ पे 0 यहाँ पे 20 तो पोटेंशियल ड्रॉप पूरे वायर में हो रहा है 20 यानी 10 मीटर में हो रहा है 20 तो इसमें कितना होगा यहाँ कितना 0 यहाँ कितना 0 कितना बढ़ेगा यहाँ से यहाँ 8 करंट कोई करंट नहीं है तो इसमें कोई ड्रॉप नहीं 8 तो यहाँ ड्रॉप 8 तो यहाँ भी ड्रॉप 8 तो कैसे पता चलेगा 20/10 ये हुआ पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई एक्स यानी इसमें क्या पोटेंशियल ड्रॉप है इट शुड बी इक्वल टू 8 खत्म सवाल 0 से 0 मर गया एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर 4 मीटर का तार है तो पॉसिबल है देखा 20 वोल्ट इज ग्रेटर देन 8 वोल्ट तो काम हो पाया अब यही मान लो ये हम 40 वोल्ट कर देते तो मेजरमेंट नहीं हो पाती चलो सवाल नंबर 1 था सवाल नंबर 2 यही बना देते हैं टंग 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 हलवा था ना कोई फंस तो नहीं गया उसमें चलो अगला सवाल टूटिंग टूटिंग चिक 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 जॉकी जे लेंथ 10 मीटर ये डिस्टेंस एक्स ये बैटरी अभी भी 20 वोल्ट की क्वेश्चन वही है फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन बताओ पॉज करके फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन
तो 20 तो यहाँ 0, 20 तो डिफरेंस हुआ कितना, 20 बटे 10 पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी यहाँ से यहाँ हमें 10 का देता, यहाँ से यहाँ हमको 20 वोल्ट देता, तो x लेंथ में कितना देगा, 20 बटे 10 इंटू एक्स, 10 में देता 20 का, तो x में देगा 20 बटे 10 इंटू एक्स, किसके बराबर कर देंगे, 4 के, ये कैंसिल, x इज इक्वल टू कितना, 2 मीटर, हलवा। हाँ, गलत है ये, क्यों क्यों, कि यहाँ देखो इसका पॉजिटिव टर्मिनल आपने कनेक्ट किया है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। पोलैरिटी का ध्यान देना, अगर ऊपर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव तो यहाँ पॉजिटिव, क्यों, आओ देखते हैं क्यों। मान लो ये 20 लिखा है, ये 0 हो गया, ये 20 हो गया। अच्छा, यहाँ तक तो समझ में आया ना क्या कर रहे थे हम, हम कह रहे थे कि भाई पूरे में 20 है 10 मीटर में, तो 1 मीटर में 20 बटे 10, तो x में 20 बटे 10 इंटू x, वो किसके बराबर किया, 4। पर ये गलत क्यों हुआ, आप समझते हैं, ये 0, ये 20, यहाँ कितना होगा, 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 हो सकता है क्या, 4 होना चाहिए ना, नहीं हो सकता है, ये गलत नहीं, ये हो सकता है। देखो बैटरी ये कहती है, सेल ये कहता है, 4 वोल्ट का मतलब कि ये वाला इससे 4 वोल्ट हायर होना चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हम ऐसा करते हैं, हम बोल देते हैं चलो इसको 4 मान ले, इसको 0 मान ले, मानते हैं। सेल कहती है कि पोटेंशियल डिफरेंस 4 का रखो, तुम चाहो तो इसको 4 मान के इसको 8 मान लो, ठीक है, तो तुम चाहो तो इसको 0 मान के इसको -4 मान सकते हो, अभी कुछ गलती नहीं हुई है, ये 0, हाँ ठीक है, ये भी 0 पे, हाँ क्योंकि 0 से छू रहा है, ठीक है, बट इस तरफ क्या होगा, पोटेंशियल 4 कम होना चाहिए, क्योंकि सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 4 है, ईएमएफ 4 है, तो यहां आएगा -4 वोल्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बेबी 0 0 0 0 इनके बीच में डिफरेंस 4 चाहिए था, तो नीचे कर दिया -4, इसमें कोई करंट वरेंट है नहीं, तो इसमें कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं, यहां भी -4, करते 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 यहां भी -4 वोल्ट, क्या यहां -4 वोल्ट हो सकता है, कैसे होगा, यहां 0 वोल्ट है, यहां 20 वोल्ट है, तो भाई बीच में 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 10 वोल्ट आएगा, -4 कैसे आएगा, दिस कॉन्फ़िगरेशन इज नॉट पॉसिबल। तो हो सकता है एग्जाम में ऐसा सवाल बना के नन ऑफ दी अबव लिख दे, अब बच्चा जल्दबाजी में जो एकदम बोर्ड का पढ़ के आया छाप देगा कि हाँ 20 बटे 10 इंटू ए इंटू एक्स, एक अचक, गलत हो गया, नॉट पॉसिबल, यहां तक 0, यहां 0, -4, यहां -4, यहां -4 कैसे आएगा, इम्पॉसिबल, क्लियर। तो क्या सर कैसे इम्पॉसिबल, मतलब कुछ होगा ही नहीं सर दुनिया में, धरती फट जाएगी, आसमान गिर जाए, नहीं यार, नल पॉइंट नहीं मिलेगा और क्या, करंट बहता रहेगा, जब भी आप कनेक्ट करोगे करंट बहता रहेगा, यहाँ पोटेंशियल नेगेटिव में, यहाँ पोटेंशियल हमेशा उससे हायर, अरे यहाँ जब भी पहुंचो कितना पोटेंशियल होगा, 0 से 20 के बीच में मान लो 8 वोल्ट हुआ, 4 वोल्ट, यहाँ से यहाँ पोटेंशियल बढ़ रहा है कि नहीं, 0 से बढ़ता 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 20 हुआ, तो 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, 6 वोल्ट, 10 वोल्ट होगा, तो इधर हमेशा पोटेंशियल हायर होगा, इधर हमेशा ग्रेटर होगा, करंट हमेशा ऊपर से नीचे फ्लो करेगा, यानी इसमें नल पॉइंट नहीं मिलेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये बना के आपने गलती कर दी, नल पॉइंट नहीं मिलेगा, और नल पॉइंट नहीं मिलेगा तो यू कैन नॉट मेजर ईएमएफ, क्लियर है। चलिए, तो ये तो हमने आसान आसान सवाल लिए जिसमें सिर्फ बैटरी लगाई थी, अब हम बैटरी के साथ रेजिस्टर लगाएंगे और सवाल को थोड़ा अच्छा बनाएंगे, चलो थोड़ा बढ़िया सवाल लेवल लेते हैं। कचक 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 कचक, ये रहा पोटेंशियोमीटर का तार, अब सुनो ध्यान से, इस बार इन्होंने बोला जो सेल है वो 48 वोल्ट की है, बैटरी जो है, ये रेजिस्टेंस हमसे बोल दिया 4 ओम का है, वायर की लेंथ हमसे कह दी 10 मीटर है, अब सुनना क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनो, वायर की लेंथ हमसे बोल दी 10 मीटर है, और ये पोटेंशियोमीटर का जो वायर है इसका भी तो रेजिस्टेंस होगा, भगवान ने थोड़ी ना इसको बना के भेज दिया कि जाओ तुम्हारे पास रेजिस्टेंस नहीं होगा, जाओ ऐश करो, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो हमसे कहा इस वायर का रेजिस्टेंस, इस वायर का रेजिस्टेंस हमसे बोला 8 ओम है, ठीक है, ये हमसे बोला सेल लगाई 12 वोल्ट की, 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस, हमसे कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, बोर्ड वाला बच्चा इन सब सवाल में कांपना स्टार्ट कर देता है, अब सोचो कैसे करना है, सोचो, पॉज करके सोचो, चलो ठीक है, टेक योर टाइम, पॉज एंड सॉल्व।
मेरी जिंदगी में आई हो और ऐसे आए हो तुम। केश, यहाँ 48 वोल्ट लिखा है तो यहाँ जीरो लेके यहाँ 48 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ जीरो लिया तो यहाँ आते आते जीरो रहेगा, बिल्कुल रहेगा। यहाँ 48 लिया यहाँ आते आते आए हाय हाय, इसमें भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। रजिस्टर आ गया बीच में, जब रजिस्टर नहीं था तब 48 का 48, तब हम छाप रहे थे 12 का 12, 10 का 10, जो भी था 20 का 20। अब तो बीच में रजिस्टर आ गया, उसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा। अरे सर उसमें कैसे होगा, उसमें तो करंट नहीं है। करंट यहाँ पे नहीं है, वहां तो करंट है। अरे भाई यहां से करंट निकल कर इसमें तो चलेगा ही करंट, वो करंट इधर नहीं आएगा। और इस सेल से करंट निकलने नहीं दे रहा क्योंकि आपने ऐसा पॉइंट खुद ढूंढा है। इस सर्किट में तो करंट होगा ना, इसको क्या लेना दे रहा है। यहां से करंट निकला, इसमें बाहर, यहां गया, यहां करंट डिवाइड नहीं हो पाया, समझ रहे हो। जैसे मान लो यहां से करंट आई आया, यहां आई पहुंचा, कंसेप्ट समझो। यहां से करंट को डिवाइड होना था, कुछ इधर जाना था, कुछ इधर जा सॉरी कुछ इधर जाएगा कुछ इधर, पर यहां करंट डिवाइड नहीं हुआ क्योंकि इस पॉइंट का पोटेंशियल इस पॉइंट के पोटेंशियल के बराबर हो गया। इसमें तो करंट चली गई। ठीक है सर, ओके सॉरी सर, आई गॉट इट। हाँ भाई, तो हम कह रहे थे ये जीरो या 48, तो अब इधर भी 48 लाना गलत हो जाएगा क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ ड्रॉप होगा। कितना ड्रॉप होगा, यहाँ कितना पोटेंशियल आएगा। जब तक ये नहीं मिलेगा तब तक हमको वी बाई एल नहीं मिलेगा, उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे, उसको हम 12 से इक्वेट नहीं कर पाएंगे। तो यार यहाँ का पोटेंशियल जानने के लिए मुझे करंट पता करना पड़ेगा इस सर्किट में। यहाँ तो करंट आ नहीं रहा, करंट यहां से निकलेगा, इसमें घूमेगा, यहां चला जाएगा। मतलब ये 4 ओम और ये वायर सीरीज में है, 8 4 12, तो करंट हो गया 4 और 8 12 ओम का। बैटरी इसको पोटेंशियल कितना दे रही, 48 वोल्ट का। ध्यान रहे अभी इस सर्किट को भूल जाओ, इसमें कोई करंट का लेन देन नहीं हो रहा, यहां से करंट अपना रास्ता खेल रहा है, इससे कोई मतलब नहीं क्योंकि नल पॉइंट आ चुका है। बैटरी पोटेंशियल दे रही 48 का, अच्छा 48 वोल्ट का, सॉरी ये मैंने रेजिस्टेंस निकाला, वेरी सॉरी, माफ कर देना मुझको। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया है 4 और 8 12, बैटरी पोटेंशियल दे रही 48 का, तो करंट हो जाएगा V अपॉन R इक्विवेलेंट, यानी 48 बटे 12, 4 एम्पियर का करंट बैटरी से निकला। यहां से पूछे 4 एम्पियर, यहां भी 4 एम्पियर, सीरीज में करंट सेम होता है, यहां भी 4 एम्पियर, इसमें भी 4 एम्पियर, ऊपर भी गया 4 एम्पियर, यही 4 यहां डिवाइड होना चाहिए था पर नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पोटेंशियल सेम हो गया। अच्छा 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 ठीक है सर, अब अगर 4 एम्पियर है तो इसमें कितना ड्रॉप हो गया, 4 4 16, यहाँ से यहाँ 16 वोल्ट ड्रॉप कर गया, 16 वोल्ट ड्रॉप कर गया, यानी यहाँ पोटेंशियल कितना है 32 वोल्ट। 4 ओम है, 4 करंट है, 4 4 16, 16 वोल्ट यहाँ गिर गया 48 का, बचा कितना 32। ऐसे भी कर सकते थे इसको, पोटेंशियल ड्रॉप इन फायर, वायर में पोटेंशियल ड्रॉप निकालना है तो I इंटू R कर दो भाई। इसमें पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए तो इसका करंट इंटू इसका रेजिस्टेंस, करंट कितना है 4 एम्पियर, रेजिस्टेंस कितना है 8, 4 8 32, यानी इसमें पोटेंशियल ड्रॉप 32 का होगा। इधर तो जीरो है तो इधर 32, अब क्लियर हुआ। सर्किट धोखा थोड़ी ना देते हैं कभी, ये 48 है, ये 4 4 16, 48 में से 16 गया यहां 32, या ऐसे देख लो इस वायर का रेजिस्टेंस 8 है, करंट 4 जा रहा, 4 8 32, उधर 0 इधर 32, चलो भाई हो गया। यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट अब आपको मिल, अच्छा अब आते हैं उस पर, क्या क्या बात हो रही थी, हाँ कि यहाँ नल पॉइंट है। तो बच्चों ये 0 पे, ये 0 पे, यहाँ 0 पे, इधर से इधर 12 बढ़ेगा, यहाँ भी 12 रहेगा क्योंकि इस सर्किट में तो करंट है नहीं, यानी इसमें डिफरेंस 12 का तो इसमें भी डिफरेंस 12 का, यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस है कितना 32 बटे 10, पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाइड बाई लेंथ एक्स शुड बी इक्वल टू 12। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 10 मीटर में 32 है तो 1 मीटर में 32 बटे 10, 10 मीटर में 32 तो 1 मीटर में 32 बाई 10, x मीटर में 32 बाई 10 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 12। हाँ तो भाई x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10 बटे 32, बोलो सही कर रहे हैं कि कुछ गलत हो गया, 48 4 8 4 8 12, करंट कितना हुआ 48 बाई 12, 4 एम्पियर, 4 एम्पियर इसमें गया, 4 8 जा 32, 32 10 में है तो 32 बाई 10 तो x में इंटू x इज इक्वल्स टू 12, सही तो है।
तो यहाँ से 4 3 12, 4 8 32, 2 4 8, 2 5 10, 3 5 15 बटे 4, एक्स इज इक्वल्स टू 15 बटे 4, 4 3 12 और हो जाएगा 30, 4 7 28, 23.75 मीटर शुड बी दी आंसर। बोलिए कोई डाउट है, नोट करें इसको, कोई डाउट इसमें तो पूछें कमेंट में और कहा। चलिए हो गया ये, कर लिया, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, एक सवाल और करा दें फिर आपको कंपेयर कराते हैं एमएफ ऑफ टू सेल, ठीक है। सवाल करते जाओ, कॉन्सेप्ट बनता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, मान लो यहां हमको बैटरा दिया 40 वोल्ट का, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर वायर लगा दिया, ये मान लो हमको दे दिया, बोल दिया रिंग 6 ओम का। पोटेंशियोमीटर का वायर हमें दिया मान लो 10 मीटर का, इसका रेजिस्टेंस हमसे बोल दिया 4 ओम का, यहाँ पे एक सेल कनेक्ट कर दी, पोलैरिटी सही रखी और इंटरनल रेजिस्टेंस, ऑल दो आप समझ गए इंटरनल रेजिस्टेंस का भी कोई काम नहीं है बट रखे रहो, बताएंगे आगे। इसको मान लो बोल दिया हमसे ये है 20 वोल्ट का, ये हमसे बोल दिया 1 ओम का, हमसे वही कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एट विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। सेम क्वेश्चन, फाइंड एक्स सच दैट जी शोज नो डिफ्लेक्शन, चलो बताओ खुद से करो, पॉज करके। हो गया, पॉज करो। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉइंट ए, इसको बोलेंगे पॉइंट बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे 40, इधर तो 0 आ जाएगा पर इधर 40 नहीं आएगा क्योंकि कुछ करंट फ्लो करेगा, करंट निकाल के यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप करो। एक बार ट्राई करो पॉज करके, फाइंड एक्स सच दैट गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। कैमरे की पोजिशन थोड़ी टिल्ट, इसको सी किया जाए जी। हाँ हो गया, हम करें, चलिए करते हैं इसको। तो भाई पहले आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। पोटेंशियल कितना दे रही है बैटरी 40 वोल्ट का, करंट कितना होगा वी बाई आर ई, 40 बटे 10, 4 एम्पियर का करंट, यहाँ से 4 एम्पियर आया, इसमें भी 4 एम्पियर दौड़ा और पूरा 4 एम्पियर इधर निकल गया क्योंकि करंट इधर नहीं जा रहा। हमने कहा व्हाट इज द पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, तो वायर का पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा, ये है आई इंटू आर करना पड़ेगा ना पोटेंशियल ड्रॉप, करंट कितना है 4 और ये है 4 ओम का, तो 4 4 16 वोल्ट, तो पूरे 10 मीटर में 16 वोल्ट, तो 20 वोल्ट कितने में कितने में भी नहीं, नॉट पॉसिबल हो गया ये भी भाई। यहाँ 0 और यहाँ कितना आ रहा 16 वोल्ट, ये 6 का है ना करंट, कितना है 6 4 24, 24 वोल्ट इसमें डूब गया, 40 में से बचा कितना 16, तो पूरा वायर ही 16 दे पा रहा है तो 20 कैसे मेजर करेगा वो। अरे भाई 16 बटे 10 इंटू एक्स शुड बी इक्वल टू 20, ऐसा आप कहना चाह रहे हो, यहाँ तो करंट जा नहीं रहा, यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, तो 20 आना चाहिए उसमें डिफरेंस। तो यहाँ से देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 4 4 16, 4 5 20, एक्स इज इक्वल्स टू 5 10 बटे 4, यही हो रहा है 5 10 बटे 4, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25 बटे 2, कितनी लेंथ चाहिए 12.5 मीटर की लेंथ चाहिए, 12.5 लेंथ है अपनी कितने पास 10 मीटर की, पूरा ये 16 ही मेजर कर पाएगा, पूरा यहाँ भी अगर छुआ होगे तब भी 16 आएगा इसमें, इसमें पोटेंशियल कम इसमें ज़्यादा, तो करंट ऐसे बहेगा, कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए आपको। ये टेढ़ा हो गया क्या कैमरा, इसको सही कर दिया जाए, यस ठीक है। तो ये लॉजिक समझ में आ गई आपको कि वायर की लेंथ भी सफिशियंट हो कि पूरा पोटेंशियल मेजर कर पाए, है ना, इससे ज़्यादा बैटरी लगा दोगे तो 3 कंसेप्ट। अच्छा एक चीज़ देखो इसमें बड़ी खास थी कि अप्लाइड बैटरी का पोटेंशियल इस बैटरी से ज़्यादा था, इसलिए मैंने तारा बनाया था वहाँ पे यार, अप्लाइड का पोटेंशियल इससे ज़्यादा है, पोलैरिटी भी सही लगी है, नेगेटिव से नेगेटिव, पॉजिटिव से पॉजिटिव,
दिक्कत क्या हुई कि असल में किताब लिख देती है कि अप्लाइड बैटरी का पोटेंशियल इस बैटरी से ज़्यादा हो, असल में वो लिखना चाहते हैं कि इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो इस सेल से ज़्यादा हो। कंडीशन ये होनी चाहिए क्या, पोटेंशियल ड्रॉप इन पोटेंशियो मीटर वायर शुड बी ग्रेटर देन सेल्स ईएमएफ। वो लिख देते हैं कि जो अप्लाइड बैटरी हो उसका ईएमएफ इससे बड़ा हो, वो तो होना ही चाहिए, वो तो डेफिनेटली। उसके बाद क्या पता बैटरी कुछ पोटेंशियल बर्बाद करके इसको दे, 40 पूरा पूरा दे देती तो काम बन जाता, बट उसने पहले ही 24 बर्बाद कर दिया इसको 16। तो असल में पोटेंशियल ड्रॉप इन कंप्लीट वायर शुड बी एट लीस्ट ग्रेटर देन दिस, ताकि अंत में यहां आके तो मेजर हो जाए, हो सकता हो 10, ये भी पूरा मतलब 20 ही होता तो यहां तो मेजर हो जाता, 16 में काम ही नहीं बन पाया। क्लियर हुआ, ठीक है। तो इस तरह के मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी इसके कराए, अभी और क्वेश्चंस कराएंगे, पहले थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। इसका एक और सर्किट पढ़ते हैं, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स का, है ना, सेकंड यूज इसका पढ़ते हैं हम, कंपैरिजन ऑफ ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स के ईएमएफ का कंपैरिजन करते हैं। वही कंसेप्ट है, कुछ नया नहीं होगा, जरा ध्यान से देखो, सर्किट में थोड़ी सी खेलोगे, कुछ नया नहीं करना है, जितना कंसेप्ट सीख लिया हो उसी के अंदर से सारे सवाल आपके हल हो जाने हैं। ये मान लो अपना पोटेंशियोमीटर का वायर हो गया, ठीक है, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट वी हो गया, ये हमारी बैटरी हो गई, ठीक है, मान लो V वोल्ट की है, यहाँ जीरो, यहाँ V, यहाँ पे जीरो मिल गया, यहाँ पे V मिल गया, इस वायर की लेंथ मान लो L है। अब क्या करना है, कंपेयर करना है EMF of two cells, देखो ध्यान से, देखो 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 क्या करेंगे, एक सेल ऐसे लगाई, एक सेल ऐसे लगा लो, कुचुक 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 इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ एक की लगा लो, कुचुक 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 इंटरनल रेजिस्टेंस, यहाँ एक की लगा लो, कहानी आगे बढ़ाओ, यहाँ दोनों को जोड़ दो, यहाँ निकालो गैल्वेनोमीटर, ये जॉकी, इसको बोलो के की वन ई एम एफ ई वन इंटरनल रेजिस्टेंस आर वन, ई एम एफ ई टू इंटरनल रेजिस्टेंस आर टू, और इस की को बोल दिया के टू, दिस इज द सर्किट, हो गया, बन गया। इसको छाप लो पहले फिर समझाएं, क्या किया हमने, उठा के दो सेल लगा दी, ठीक है, और कीज लगाई हैं। जरा ध्यान से देखो, इफ के वन इज क्लोज्ड एंड K2 is open. K2 open है, K1 closed है। तो भैया अगर K2 open है तो K2 मान लो open है और K1 closed है। बनाएं इसको, मिटार के दिखाएं, पहले छाप लो, पॉज करके बना लो, पूछा जाता है बोर्ड में सर्किट, अभी वो चार वायर वाला भी बनाएंगे, बना लिया, ओके। मान लो बोल रहा है इफ K2 is open and K1 is closed, ये कहानी बोल रहा है। अब देखो इस कंडीशन में हमने नल पॉइंट ढूंढा, है ना, हमने नल पॉइंट ढूंढा, नल पॉइंट ऑब्टेंड एट लेंथ L1, मान लेते हैं किसी L1 लेंथ पे हमें नल पॉइंट मिला, इसका मतलब क्या है, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, तो यहां से उठकर इवन हो जाएगा, कोई करंट वरेंट तो है नहीं, नल पॉइंट का मतलब कोई करंट नहीं है, यहां इवन तो यहां इवन, तो यहां इवन तो यहां इवन, अच्छा यहां पे आओ, यहां जीरो तो यहां ई टू, यहां ई टू, यहां ई टू, ओए होए होए, यहां कैरी नहीं हो पाई बात, मतलब जब आपने की के टू ओपन रखी तो ये सेल तो सर्किट में इंक्लूड ही नहीं है भाई, तार जुड़ा होगा तब पोटेंशियल इधर से इधर जाएगा ना, हवा में थोड़ी ना कैरी हो जाएगा, ये जीरो है, यहाँ जीरो आया, यहाँ बढ़ गया, इस सेल का ईवन था, बढ़ के ईवन, करंट है नहीं, यहाँ भी ईवन, यहाँ भी ईवन, यहाँ भी मान लो ईवन है टच करता हुआ, और यहाँ कितना है जीरो, यहाँ ई टू, यहाँ ई टू, ये तो टच ही नहीं कर रहा, यानी ये सेल हमारी सर्किट से बाहर हो गई, और जो L1 बैलेंस हुआ वो E1 के लिए, देखो ये जीरो से E1 तो यहां जीरो से E1, यानी इस टाइम V by L into L1 is equals to E1, V by L into L1 is E1, इसी तरह से सिमिलरली
सिमिलरली K2 इज क्लोज्ड एंड K1 इज ओपन, और ऐसा करने पे नल पॉइंट ऑब्टेन्ड एट लेंथ मान लेते हैं L2 पे मिला। ठीक है, क्या किया, इस वाले को बंद कर दिया, इस वाले को खोल दिया। अब क्या होगा, अब ये सर्किट से बाहर हो गई, E1 आके यहाँ रुक जाएगा, ये 0 यहाँ पे, E2 यहाँ पे, E2 यहाँ पे, E2, और ये भी कितना मेजर करेगा, E2, लेंथ चेंज हो जाएगी। मान लो इस बार यहाँ पे रुका, J' ले लो एट सम अनदर लेंथ, मान लो इस बार रुक रहा है एट लेंथ L2, एक बार L के लिए बनाया, एक बार L2 के लिए बना लिया, सेम सर्किट है। ठीक है, सर्किट तो आपने बना लिया था ना पहले, इस बार क्या हो जाएगा, V/L (L2) किसको करेस्पॉन्ड करेगा, E2 को, यहाँ पे मिला हमें नल पॉइंट, ये डिफरेंस किसके बराबर होगा, E2 के, ये वाली सेल बाहर हो गई। अब आप यहाँ से इसको इससे डिवाइड कर दो, इसको इससे, जिससे मन हो, E1/E2 विल बी इक्वल टू L1/L2, बड़ा सिंपल था। अरे भैया E1 इज इक्वल्स टू K L1 आ रहा है, K ये हो गया, E2 इज इक्वल्स टू K L2 आ रहा है, डिवाइड कर दोगे, E1/E2 इज इक्वल्स टू L1/L2, ये हो गया कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल्स। इसको एक्चुअली यूज करते हैं टू फाइंड EMF ऑफ वन सेल, लिख लो, दिस मेथड इज ऑल्सो यूज टू फाइंड EMF ऑफ वन सेल इफ EMF ऑफ अदर सेल इज नोन। मान लो E1 पहले से पता है तो E2 निकाल सकते हैं, L1 L2 तो मेजर करेंगे ना, आंखों से नापेंगे इसको तो। So this method is also used, comparison of EMF of two cells likha hai, but this is also used to measure EMF of one cell if EMF of other cell is known to us. Note kar le. Pehle ye ki band ki, ye khola, to E1 ke liye length mili, V/L (L1). Phir ye length band, ye ki close ki, ye khol di, sorry, ye close ki, ye khol di, to iske liye humko corresponding length mili. Jisko close karoge, usko correspond karega. Clear hai? छाप लिया है, अब किताब में देखो इसका सर्किट कैसा देता है, किताब में इसका सर्किट ये वाला बना के देता है, घुमा घुमा के तार वाला, एक तार ऐसे लिया खचक, फिर एक तार ये लिया खचक, एक तार ये लिया खचक, एक तार ये लिया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, सेल कनेक्ट कर दी हमने यहाँ पे वी बैटरी। अब देखो यहां से निकालो, दो सेल लगानी है ना आपको, लो हो गया, एक बार J पे मिला, एक बार J' पे, ये की K1 की K2, इस तरह से किताब में बनाता है ना, उसमें ये वाले वायर्स बोलता है बीच बीच में कॉपर की मेटालिक शीट लगानी है, छाप लेगा छापना हो तो। क्लियर है, क्लियर है, मिटा रहे, छाप लिया, ओके। अब आखिरी वाला मेथड भी पढ़ लेते हैं, टू डिटरमाइन व्हाट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इसका तीसरा यूज टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। अब देखो ये कैसे करते हैं, मान लो यहां से हमने बैटरी लगा ली, ध्यान देना इस वाले में थोड़ा सा, ये इसमें नया इंक्लूजन हुआ, जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए होगी उस टाइम पे हम यहां पे एक नीचे नोन रेजिस्टेंस लगाएंगे, किताब में रेजिस्टेंस बॉक्स बना रहता है, इसकी जगह ये बना हमने दिया, या किताब में इसकी जगह ऐसे
एक रेजिस्टेंस बॉक्स बना देगा। रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हम अपने हिसाब से फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इसमें डिफरेंस हुआ, बाकी सारी कहानी सेम। लेंथ इसकी एल ले ली, यहाँ इसका पोटेंशियल वी ले लो, ये जीरो, ये वी हो गया, बाकी सब सेम है। यहाँ पे जीरो मिल गया, यहाँ पे वी मिल गया, इसका पोटेंशियल ग्रेडियंट के जो कि वी बाई एल। अब देखो करना क्या होगा इसमें, ध्यान से, यहाँ पर एक की लगाएंगे हम, यहाँ पर हमें की लगाएंगे जो कि ये डिसाइड करेगा कि नीचे वाले सर्किट में भी करंट फ्लो करेगा कि नहीं। एक मिनट, नीचे वाले में करंट यहाँ से नहीं ले जाना हमको, ये करंट आपस में फ्लो कर सकता है, ये करंट अपने में फ्लो कर सकता है, और इन दोनों के बीच में कोई करंट नहीं हो सकता। चलो बताते हैं, इफ के इज ओपन एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ लेट अस से एल वन, वो याद हो गया, ई वन बाई ई टू इज इक्वल टू एल वन बाई एल टू। अब ये देखते हैं, इफ के इज ओपन एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट एल वन, बहुत आसान है, अभी कोई नई चीज नहीं हुई है, ये एल वन लेंथ पे नल पॉइंट मिला है, कुछ नया नहीं हुआ, ये जीरो है, ये जीरो होगा, ये की ओपन है, की ओपन होने से क्या हुआ, इसमें करंट नहीं चला, वरना इसमें करंट चल जाता अंदर अंदर, नहीं चल पाया। ये जीरो यहाँ से यहाँ बढ़ेगा ई, करंट है नहीं, करंट है क्या, खुला है ना सर्किट, कैसे घूमेगा करंट। और ये तो नल डिफ्लेक्शन है, नल डिफ्लेक्शन का मतलब इसमें तो करंट जीरो हमने खुद ही किया है, धूड़ धाड़ के से पकड़ कर दिया, और इसमें करंट फ्लो कर सकता था अगर ये क्लोज होता, नहीं है, नहीं है, तो यहाँ ई, तो यहाँ कोई ड्रॉप नहीं, तो यहाँ ई, तो यहाँ ई, यानी इसमें पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ कितना होगा, ई का होगा। तो अभी तो बड़ा आसान है, वी बाई एल इन टू एल वन किसको करेस्पॉन्ड करेगा, ई को, ठीक है। अब की क्लोज करते हैं, इफ के इज क्लोज्ड एंड नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट लेंथ एल टू, पता है एल टू एल वन से कम ही होगा इस बार, एट लेंथ एल टू। अब समझते हैं, पहले इसको छाप लो, छापना है तो अब मान लेते हैं कि नल पॉइंट हमें कहीं और मिला, सपोज कर, अच्छा कम करना है, सपोज कर लो नल पॉइंट हमको यहां मिला, ठीक है, एट लेंथ एल टू, यहां कहीं नल पॉइंट मिला एट लेंथ एल टू। अब सुनो, की क्लोज करने से यहां अंदर एक करंट फ्लो कर सकता है इंटरनल सर्किट में, बाहर नहीं जा रहा, इसमें करंट जीरो है, डिफ्लेक्टिंग डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा इसमें, नहीं, यहां तो फ्लो कर सकता है, जैसे यहां एक करंट फ्लो कर रहा होगा, डेफिनेटली करंट फ्लो कर रहा होगा, तभी तो इसमें कुछ पोटेंशियल ड्रॉप आ रहा होगा। उस तरह से यहां भी एक करंट फ्लो कर सकता है, बिल्कुल करेगा, सर्किट क्लोज है, ये आर, ये आर, यहां से करंट निकला आई, ये करंट कितना होगा इस कंडीशन में, आई विल बी इक्वल टू, ये सर्किट है, क्या ये करंट यहां जाएगा, ये आई जो निकला ये यहां आके क्या इधर जाएगा, नहीं, क्योंकि यहां का पोटेंशियल ड्रॉप, यहां का पोटेंशियल ड्रॉप बराबर है, नो डिफ्लेक्शन, करंट यहां आएगा, क्या ऊपर जाएगा, नहीं, ये करंट वापस सेल में यहां चल रहा है। तो ये करंट ई पोटेंशियल डिफरेंस पे है, और रेजिस्टेंस कितना झेल रहा, आर प्लस आर, इंटरनल पूरा आर, और एक ये भी लगा के रखा है रेजिस्टेंस बॉक्स, ये करंट झेल रहा। आओ अब खेल खेलते हैं, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां जीरो, यहां कितना, यहां जीरो, यहां कितना, ई, और यहां कुछ ड्रॉप नहीं होगा, आई आर ड्रॉप हो जाएगा, यानी यहां पे आएगा, इस जगह पे पोटेंशियल आएगा ई माइनस आई आर। बोलो बात समझ में आई, ये सेल थी, ये रेजिस्टेंस था, इस बार करंट दौड़ रहा है रेजिस्टेंस में से, हर बार नहीं दौड़ रहा था, इस बार नीचे एक रेजिस्टेंस लगा के हमने सर्किट बंद कर दिया, यहां से करंट आई इस रेजिस्टेंस में गया, यानी यहां तो जीरो है, यहां तो ई है, पर यहां पे पोटेंशियल ड्रॉप आई आर का होने के बाद यहां ई माइनस आई आर। यार हमने तुमको किरचॉफ लॉ में सिखाया था, ये पाथ बना लो, पाथ बना लो कि यहां नेगेटिव से पॉजिटिव, तो ई प्लस होगा, फिर करंट भी और पाथ भी सेम तरफ, यानी माइनस, यानी यहां पोटेंशियल आएगा, ई यहां तक था, फिर आई आर ड्रॉप हो गया, ई माइनस आई आर, ई माइनस आई आर, यानी इस बार ये किसके करेस्पॉन्ड करेगा, ई माइनस आई आर, वी बाई एल इन टू एल टू इज इक्वल टू ई माइनस आई आर।
वेयर आई की वैल्यू पुट कर दो, वेयर आई की वैल्यू है ई अपॉन आर प्लस आर इंटू आर, रख दे ये आई की वैल्यू, नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। यहाँ से देखो एलसीएम होगा आर प्लस आर, ई कॉमन हो जाएगा आर प्लस आर माइनस आर, आर से आर कैंसिल, ये आया ई आर अपॉन आर प्लस आर। बोलो कैलकुलेशन सही की है? यहाँ से आर प्लस आर एलसीएम होगा, इधर आएगा आर प्लस आर, ई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर माइनस आर, आर कैंसिल, ये आया वी बाई एल इंटू एल टू। इतना छाप लो फिर बताएं आगे क्या करना है, आगे डिवाइड करेंगे और क्या, घूमेंगे फिरेंगे डिवाइड करेंगे और क्या। छाप लिया, ये समझ में आया? इस बार ये क्या मेजर कर रहा है L2 लेंथ पे, ए यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ जीरो, यहाँ E बढ़ा, यहाँ IR घटा, E माइनस IR, तो जीरो से E माइनस IR, जीरो से ये भी कितना होना चाहिए E माइनस IR। V पूरे में L लेंथ में, तो L2 लेंथ में V बाई L इंटू L2 इक्वल्स टू I की वैल्यू ये अपॉन R प्लस R रखी, R प्लस R LCM हुआ, R प्लस R इधर आया, E कॉमन हुआ, R प्लस R माइनस R, ये कहानी हुई, ठीक है, ये मिटा लें हम। किताब में R की जगह रेजिस्टेंस बॉक्स भी बना होता है। अब उठा के इसको इससे डिवाइड कर दो, L2 छोटा है ना, उससे इसको डिवाइड कर देता हूँ, तो V बाई L कैंसिल, L1 बाई L2 आएगा, L1 बाई L2, और उधर क्या आएगा जरा देखो, इधर आया L1 बाई L2, इसको इससे डिवाइड किया, उधर क्या आएगा E अपॉन E R अपॉन R प्लस R, यही होगा, इसको इससे डिवाइड किया, V बाई L कैंसिल, L1 बाई L2, उसको डिवाइड किया E अपॉन E R अपॉन आर प्लस आर, ई से ई कैंसिल हुआ, ये ऊपर गया, सो वी गेट आर प्लस आर अपॉन कैपिटल आर इज इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू। यहाँ से आर बाई आर हो गया वन, प्लस आर बाई आर इज इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू, यहाँ से आर बाई आर इज इक्वल्स टू एल वन बाई एल टू माइनस वन, यहाँ से आर की वैल्यू मिल रही है कैपिटल आर अपॉन L1 अपॉन L2 माइनस वन। L1 आप देख के मेजर कर सकते हो, L2 आप देख के मेजर कर सकते हो, ये रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस बॉक्स से आप फिक्स कर सकते हो, यू कैन फाइंड इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या फॉर्मूला मिल रहा आपको, R इज इक्वल्स टू R L1 बाई L2 माइनस वन। बोलो आया, इसको इससे डिवाइड कर दो, उसके बाद सॉल्व करना है बस, उसको इससे डिवाइड किया R प्लस R अपॉन R, ये हो गया R बाई R1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू L1 बाई L2, R बाई R इज इक्वल टू माइनस वन, R इज इक्वल टू R इंटू L1, L1 L2 आप देख सकते हो, दिखाई पड़ेगा आपको, क्लियर है, क्लियर है, ये आ गया डिटरमाइन इंटरनल डिस्टेंस ऑफ सेल। छाप ले, छाप लिया, इसको इससे डिवाइड किया, ये मिला। अब देखो किताब में इसका सर्किट कैसे बना के देता है, किताब में इसका सर्किट ऐसे बना के देता है हमको, कुचुक टुक टुक कुचुक टुक टुक कुचुक टुक टुक कुचुक, ठीक है, ए बी रिस्टार्ट वगैरह भी लगाता है, तब तो आप समझ ही गए हो कि यहां भी रेजिस्टेंस लगा सकते हैं, ये बी पॉइंट, फिर यहां से निकले, एक बार L1 लेंथ, एक बार L2 लेंथ, तो देखो छोटी लेंथ पे मिली कम लेंथ पे, ये हो गया सेल का ईएमएफ ई, रेजिस्टेंस आर, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, यहां पे के की। बोलो क्लियर है कि जब ओपन रखोगे तब आपको ईएमएफ मिलेगा, की क्लोज करोगे तो टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा ई माइनस आई आर, क्लियर हुई बात, की क्लोज करते ही टर्मिनल वोल्टेज करंट बहता है तो टर्मिनल वोल्टेज आता है सेल के अक्रॉस, याद है ये भी बताया था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल्स ऑफ सेल, जब करंट बहता है टर्मिनल वोल्टेज ई माइनस आई आर, और ऐसे ईएमएफ ही, क्लियर है ये, मिटा रहे। तो ये तीन सर्किट सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, बाकी तो सवाल तो कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे होते हैं, जैसे कि हम आपको करा रहे थे लगातार। क्लास खत्म करने से पहले एक सवाल और ले लें बढ़िया सा, चलिए एक अच्छा सवाल लेते हैं, बढ़िया सवाल लेते हैं, ठीक है, तैयार हो जाइए एकदम, आखिरी सवाल आज की क्लास का, ठीक है ना, चलो
लास्ट सवाल, ठीक है। इसका थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है, क्वेश्चन तो कंसेप्ट बेस्ड है, क्वेश्चन में दिमाग लगाओ, कुछ रटा रटा है मेथड नहीं। लेंथ मान लो 10 मीटर है, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। बढ़िया सवाल, फाइंड दी वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। फाइंड एक्स फॉर विच गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। अब जो आपसे कहता हो कि हमको पोटेंशियोमीटर बहुत अच्छे से आता है उसको दीजिए ऐसे सवाल, पूछिए भाई ये सब कर पा रहे हो कि वही बस सर्किट बना पा रहे हो, हाउ टू फाइंड ईएमएफ ऑफ सेल, कंपेयर ईएमएफ ऑफ सेल, इंटरनेशनल सेल, ये सब सवाल भी हिल रहे हैं उससे, पूछो ये सवाल जाके। बढ़िया कंसेप्ट ये सवाल है, फॉर विच गैल्वेनोमीटर जी शोज नो डिफ्लेक्शन, यानी नल पॉइंट के लिए एक्स की वैल्यू। पॉज करके ट्राई करो, 5 मिनट सोचो, तो ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है, पहले सोचो तो करेंगे कैसे। चले हम करें इसको। ओके, बहुत आसान है, यहाँ 0 वोल्ट, यहाँ 40 वोल्ट, क्या यहाँ पे 40 छपेगा? नहीं छपेगा। यहाँ 0 छपेगा? छपेगा। यहाँ 40 नहीं छप पा रहा क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस है। पहली बात तो नो डिफ्लेक्शन है, यानी इस ब्रांच में करंट 0 है, यहाँ करंट 0 है, तो जो भी करंट घूम रहा होगा इसमें अपना घूम रहा होगा। मान लेते हैं यहाँ से करंट कोई आई निकला, यहाँ करंट आई पहुँचा, वही करंट आई, इस आई को डिटरमाइन किया जाए, ऊपर वाले करंट आई को, तो आई इज इक्वल्स टू पोटेंशियल कितना है 40 अपॉन रेजिस्टेंस कितना है 4 और इसका 6, तो 4 + 6, बोलो समझ में आ रहा है ना, 10, यानी 4 एम्पियर का करंट निकला है, 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, यहाँ भी 4 एम्पियर, 4 एम्पियर में से 4 × 16, 16 वोल्ट तो ये खा गए, 16 वोल्ट इनके खाने के बाद 40 - 16 यहाँ मिला 24 वोल्ट, यहाँ 0 वोल्ट। ये आप ऐसे भी निकाल सकते थे, पोटेंशियल ड्रॉप इन वायर, कैसे निकाल सकते थे, आई आर करके, आई कितना है 4, रेजिस्टेंस कितना है इसका 6, 4 × 6 = 24 वोल्ट, 6 ओम है ना, और 4 एम्पीयर करंट आ रहा है, 4 × 6 = 24, इधर 0 इधर 24। चलो यहाँ तक क्लियर हुई बात, अच्छा ठीक है। अब बात आई ये एक्स लेंथ कितने पे बैलेंस होगी, इससे आपको वो मिल गया पोटेंशियल ग्रेडियंट 24/10, तो 24/10 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू वॉट, सवाल तो ये ना इज इक्वल्स टू वॉट करे, 24/10 यूनिट लेंथ पे पोटेंशियल हो गया 24/10, तो एक्स लेंथ पे होगा 24/10 इंटू एक्स, यहाँ तक तो क्लियर था। बात यह है कि ये पोटेंशियल है किसके बराबर, यहाँ 0 तो यहाँ भी 0, क्या इस सर्किट में करंट फैला होगा, बिल्कुल फैलेगा, क्लोज सर्किट है, मतलब एक करंट यहाँ भी अपना खेल खेल रहा होगा अंदर ही अंदर भी तो करंट चल रहा होगा इस सर्किट में, नहीं चलेगा सेल, ये सर्किट पूरा ज्वाइंट है कि नहीं, तो अंदर भी एक करंट खेल खेल रहा होगा, जिसकी वजह से यहाँ 0 यहाँ 10 यहाँ -IR यहाँ कुछ कम होगा 10 से। अच्छा ये दोनों सेल सीरीज में है, पैरेलल में दिख रही है, पर है सीरीज ना, करंट दोनों में सेम है। भाई सीरीज पैरेलल का समझने का तरीका यही तो होता है कि अगर दोनों में करंट सेम हो तो सीरीज, तो देखो दोनों में करंट सेम है, सीरीज नहीं आ रहा, किरचॉफ लॉ लगा दो, कोई टेंशन नहीं, किरचॉफ लॉ से करंट निकाल लो, दोनों सीरीज में वैसे करंट निकालोगे तो नेट ईएमएफ कितना होगा, पॉजिटिव वाला पॉजिटिव जुड़ा है, नेगेटिव नेगेटिव जुड़ा है, यानी अपोजिट, तो E2 - E1 अपॉन, देखो रेजिस्टेंस भी सीरीज में करंट सेम है, तो 2 और 2 = 4, अभी किरचॉफ से भी कर देते हैं टेंशन नहीं, E2 - E1 10 - 6/2 = 4, 10 - 6 = 4/4, 1 एम्पियर का करंट नीचे भी खेल रहा है गेम, यहाँ 1 एम्पियर करंट गेम खेल रहा है,
इस सर्किट में 1 एम्पियर का, नहीं विश्वास है, किरचॉफ से करें, ये समझ में आया? पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों सीरीज में है यार, करंट सेम है ना, तो E2 - E1 और R1 R2 ऐड कर लिया, नेट पोटेंशियल अपॉन नेट रेजिस्टेंस। आओ किरचॉफ से करते हैं, किरचॉफ से देखो, हमने यहाँ पे एक क्लोज लूप बना लिया, सही है, क्लोज लूप दिख रहा है, यहाँ से चलना स्टार्ट करो, तो पॉजिटिव से नेगेटिव गए -6 वोल्ट, अरे भाई ये है ना लूप कनेक्शन क्लोज, यहाँ से स्टार्ट किया प्लस से माइनस, -6 वोल्ट, यहाँ है माइनस से प्लस 10 वोल्ट, यहाँ है माइनस से प्लस 10 वोल्ट, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप होगा भाई, रजिस्टर में करेंट और पाथ सेम डायरेक्शन में, तो माइनस IR यानी 1 × 2। आगे बढ़े, इस रजिस्टर में भी पाथ और करंट सेम डायरेक्शन में, तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस I × 2 है ना, करंट तो नहीं पता ना, करंट ही तो निकाल रहे हैं, 1 तो मैंने निकाल दिया शॉर्टकट से अभी किरचॉफ से, तो मैंने कहा यहाँ करंट I मान लो, लेट इस बी I, ठीक है, तो इधर देखो पोटेंशियल क्या हो रहा है, ड्रॉप तो नेगेटिव लिखा, इधर गेन तो प्लस लिखा, फिर इधर भी ड्रॉप हो रहा माइनस लिखा, पाथ और करंट साथ में, यहाँ भी पाथ और करंट साथ में, तो ड्रॉप, तो -I × 2 = 0, तो ये हो गया 4I उस तरफ गया, 10 - 6 = 4I = 1 एम्पियर, ठीक है, तो वही मैं बता रहा था कि दोनों सीरीज में, तो खैर 1 एम्पियर का सौदा हो गया है। अब देखो यहाँ 0, यहाँ भी कितना रहेगा 0, यहाँ बढ़ के कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, ये हटा लें किरचॉफ का सर्किट, हाँ यहाँ 0, यहाँ बढ़ के कितना हो जाएगा 10 वोल्ट, इसमें कितना ड्रॉप हुआ 1 × 2 = 2 वोल्ट ड्रॉप हो गया, तो 10 - 2 = 8 वोल्ट, तो यहाँ कितना आएगा 8 वोल्ट, चाहो तो नीचे वाले से देखो सेम कहानी आएगी, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, बढ़ कितना हो गया 6 वोल्ट, अब यहाँ क्या हो रहा है देखो, यहाँ पे ये हायर पोटेंशियल है ये लोअर, यानी पोटेंशियल गेन हो रहा है, करंट के अपोजिट चल रहे हैं, 2 × 1 = 2 वोल्ट गेन होगा, तो यहाँ कितना 8 वोल्ट, यहाँ 8 वोल्ट, गंदगी फैल गई, छिछी हो गया, छिछी को मिटा दिया जाए, बहुत छिछी कर दिया, ठीक है, तो चाहे ऊपर से देख लो चाहे नीचे से देख लो, आपको यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हुआ 10 वोल्ट, इसमें कितना ड्रॉप हुआ 2 वोल्ट, यहाँ कितना होगा 8 वोल्ट, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ कितना हुआ 6 वोल्ट, अब करंट इधर से आ रहा है ना, मतलब ये हायर है ये लोअर है, ये हायर है लोअर है, ये भी लोअर है ये हायर, तभी तो करंट इधर आ रहा, तो 2 वोल्ट यहाँ और गेन हुआ, तो यहाँ 8 वोल्ट, तो असल में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट का मिलना है, इसको 8 से इक्वेट कर दो, x = 8 × 10/24, 8 × 8 = 24, 10/3 That is 3.33 meters। तो इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स सर्किट सॉल्व कर सकते हो अगर आपको लॉजिक समझ में आ जाए पोटेंशियोमीटर की। तो यहीं पे पोटेंशियोमीटर के लेक्चर करते हैं समाप्त, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।